हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वेयर कंसेप्ट है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंडियन बैंक की न्यू नोटिफिकेशन की डिटेल्स बताने वाला हूं दोस्तों, और इसकी प्रोविंसी ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। इसमें मैं आप लोगों को क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, आप लोगों की एग्जामिनेशन फीस की पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ दोस्तों। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ और वीडियो को इन तक देखिएगा दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों ने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और उसके बगल में एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बेल आइकन को क्लिक करने से फायदा ये होगा कि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो आप लोग बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ, क्योंकि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को करना क्या है कि जो इसकी नोटिफिकेशन आई है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे तो इसके डाउनलोड एक ऑप्शन आएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करके जो फाइल ओपन होगी उसको फाइल को ओपन कर लीजिएगा, और आप लोगों को कुछ इस तरह से वो फाइल दिखेगा। देखिए, ये इंडियन बैंक की जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसकी ये फाइल जो डाउनलोड करेंगे वो इस तरह से आएगा। देखिए, इसमें आप लोगों का 22 शेड्यूल दिया जा रहा है आप लोगों को। आप लोगों का 1/8/2018 ये डेट जो है आप लोगों का ऑनलाइन डेट शुरू हो जाएगा, और 27/8/2018 आप लोगों का लास्ट डेट होगा। उसका डाउनलोड फॉर कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ्री के लिए, आप लोगों का जो एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर आएगा वो 24/9/2018 के बाद आप लोगों का आ जाएगा, और इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्री के लिए होगा वो आप लोगों का 6/10/2018 आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम डेट होगा। उसके बाद इसका रिजल्ट जो प्री का होगा वो आउट किया जाएगा 17/10/2018 को। उसके बाद डाउनलोड किया जाएगा आप लोगों का कॉल लेटर फॉर मेन्स के लिए वो 22/10/2018 को। इसके बाद इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन्स के लिए जो होगा वो 4/11/2018 को होगा। इसमें जो वैकेंसी है दोस्तों, आप लोगों को वैकेंसी देख लीजिएगा इसको डाउनलोड करके। इसके बाद मैं इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन इसमें क्या है। क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ देख लीजिए कि अ डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फॉर रिकॉग्नाइज, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, जो भी आप लोग कर रहे हो डिग्री के लिए वो आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद एज देखिए, एज इसमें क्या है कि 20 ईयर्स मैक्सिमम टू 30 ईयर्स ये आप लोगों का एज होगा, और इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, जैसे कि एससी एसटी के कैंडिडेट जो उनके लिए 5 ईयर्स और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर। आप लोग इसको डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा, पूरी डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। इसमें जो जो जरूरी चीज़ें हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों का दिया जाएगा कि हाउ टू अप्लाई फॉर्म, आप लोगों का फॉर्म जो होगा ऑनलाइन इसका पेमेंट किया जाएगा, और ऑनलाइन फॉर्म ये अप्लाई किया जाएगा केवल। देखिए, आप लोगों का एग्जामिनेशन फीस जो है वो आप लोगों का एससी एसटी कैंडिडेट्स और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है, और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, सॉरी, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये हैं। और इसके बाद आप लोग चले जाइए पेज नंबर 9 पे चले जाइएगा सीधे। इसमें इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मैं उसमें बता दे रहा हूँ। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए दोस्तों, प्री के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, और रीजनिंग एबिलिटी, ये 3 सब्जेक्ट आप लोगों के पूछे जाएंगे इसमें से। तो आप लोग यहाँ पे भी देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का यहाँ मेन एग्जामिनेशन होगा, मेन एग्जामिनेशन में आप लोगों का जो सब्जेक्ट हो उसको भी देख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों का दोस्तों, इसके बाद इंटरव्यू होगा आप लोगों का, इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा वो आप लोगों को। इसके बाद इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टेड करके आप लोगों का कट ऑफ बनाया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन होगा मैं आप लोगों को यहाँ डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट इसके ऑफिशियल लिंक पर चले जाएंगे, वहाँ से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।